longer exercise और उसकी shifts, ठीक है, ये पूरा complete कर लिया है, right? तो अभी हमने majorly तीन चीजें देखी है, article a and noun and pronoun, correct? ये तीन major चीजें अपने देखी है जो हमको आगे भी बहुत काम आने वाली है। अब एक बीच में हम चीज देखते हैं जिसका नाम है punctuation, right? क्या नाम है इसका? Punctuation, right? अभी जो punctuations होते हैं ये क्या होते हैं? सबसे पहले ये समझिए कि punctuations होते क्या है, right? Again, what is punctuation? Why we should use punctuation? How we can use punctuation, right? तीन सवाल का जवाब। पहला सवाल है what is punctuation, right? देखिए, आपको और मुझे सबको पता है कि सेंटेंस की स्टार्ट जो हम करते हैं वो कैपिटल से होती है। आपने कई बुक्स में पढ़ा होगा, देखिए कोई भी सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल से होता है, राइट? सेंटेंस जब एंड होता है तो उधर एक मार्क होता है, या तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क, ऐसा कुछ तो एक मार्क होता है, राइट? स्टार्ट में कैपिटल, एंड में मार्क, बीच में भी छोटे मोटे से सिंबल्स आपको दिखेंगे जो लेटर्स नहीं है, जो कि लेटर्स नहीं है लेकिन कुछ अलग सिंबॉल है, कुछ अलग सिंबॉल्स है, राइट? तो मैंने देखो सिंबॉल आपको पहले भी बताया था, ये वर्ड आके गया मत लिए, हाँ, साउंड का रिप्रेजेंटेशन, लेटर्स आर द सिंबॉल ऑफ साउंड, वैसे ही लिखते वक्त हम कुछ और सिंबॉल यूज करते हैं, जैसे लेटर्स यूज कर रहे हैं ना साउंड के लिए, वैसे ही हम कुछ और सिंबॉल यूज करते हैं, राइट? कुछ और मार्क्स यूज करते हैं, कुछ और मार्क्स यूज करते हैं, वो मार्क्स और सिंबॉल होते हैं पंचुएशंस, होते हैं पंचुएशंस, राइट? तो मैं क्या कहूंगा, व्हाट इज पंचुएशंस? पंचुएशंस आर द मार्क्स और सिंबॉल्स। क्या काम कर रहे हैं? लेटर तो हमने देखा, साउंड बता रहे हैं हमको भाई, स्पेलिंग बता रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उसको, बोल रहे हैं उनको, पंचुएशंस क्या काम कर रहे हैं? हाँ, क्यों यूज करना है पंचुएशंस? देखिए, पंचुएशंस बहुत छोटे छोटे मार्क्स होते हैं, राइट? जो हमारे सेंटेंस में बीच में आते हैं, स्टार्टिंग में रहते हैं, एंड में रहते हैं, वो हमको बताते हैं हाउ टू रीड। क्या बताते हैं हमको? हाउ टू रीड, सेंटेंस को पढ़ना कैसे है, राइट? वेयर टू टेक अ पॉज, किधर रुकना है, अदरवाइज हम कोई भी सेंटेंस ट्रेन जैसा बोलना चालू कर देंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। आपके क्या समझ में आने वाला है कि कौन सा वर्ड कौन से सेंटेंस का है, कुछ समझेगा नहीं? सब धड़ 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 एक साथ अगर मैं बोल दूं तो आपको कुछ समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं। आप बोले ना रुको भाई, समझने तो दो। तो कहाँ रुकना है, कहाँ ज्यादा रुकना है, कहाँ कम रुकना है, ये सारी बातें कौन तय करता है? पंचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं गलत जगह मैंने फुल स्टॉप दे दिया, बीच में सेंटेंस एंड हो जाएगा, बात समझ में नहीं आएगी, राइट? या बहुत देर बाद सेंटेंस एंड होगा तो भी बात नहीं समझ में आएगी। बोलिए लिंक क्या है इन दोनों चीजों में, क्या लिंक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करेक्ट? इसीलिए पढ़ना कैसे है ये हमको कौन बताता है? पंचुएशन मार्क्स। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको हिंदी का एक एग्जाम्पल देता हूं। सेंटेंस है पकड़ो मत जाने दो, राइट? हिंदी का सेंटेंस है पकड़ो मत जाने दो, कोई पंचुएशन मार्क भी नहीं है। अब देखिए मजा, मैंने यहां पे यहां कॉमा डाल दिया है, राइट? कैसे पढ़ेंगे इसको हम? पकड़ो मत जाने दो, कैसे पढ़ा मैंने? क्योंकि कॉमा आ गया तो पॉज लेना है छोटा, पकड़ो मत जाने दो, राइट? बंदे को पकड़ना है, जाने मत दो ना। अब पढ़िए कैसे पढ़ोगे? पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। देखिए कोई सेंटेंस में चेंज नहीं है, सिर्फ मैंने कॉमा की पोजीशन यहां के बदले यहां लगा दी है, यानी कि पढ़ने वाले ने पॉज यहां के बजाय यहां लिया है, तो मेरे सेंटेंस का पूरा सेंस ही बदल गया।
है ना, पहले मैंने कहा था पकड़ो उसे, जाने मत दो भाई, पकड़ के रखो। अब मैं कह रहा हूं अरे पकड़ो मत, उसको जाने दो। करेक्ट। तो ये होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स का इंपॉर्टेंस, ताकि वो हमको बताते हैं कि सेंटेंस में हमें कहां रुकना है, सेंटेंस को हमने कैसे पढ़ना है, ये ज्यादा जरूरी है। हाउ टू रीड अ सेंटेंस। क्लियर। सो व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशंस आर द मार्क्स, आर द मार्क्स और सिंबल। व्हाई वी शुड यूज इट? दे विल टेल अस हाउ टू रीड अ सेंटेंस। क्लियर। तो ये बात होगी पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में और उसके उसको क्यों यूज करना है। दो क्वेश्चन के आंसर में मिल गया। ठीक है। सो पहला है व्हाट, दीज आर द मार्क्स और सिंबल। करेक्ट। मार्क्स और सिंबल है, छोटे छोटे मार्क्स है, सिंबल्स है। सेकेंड, व्हाई, हाउ टू रीड, हाउ टू रीड। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन आता है हाउ, क्वेश्चन आता है हाउ। करेक्ट। हाउ टू यूज दीज मार्क्स, तो पहले पता करना पड़ेगा कि कौन से मार्क्स है ना, तभी तो यूज कर पाओगे ना। तो देखते हैं कौन से मार्क्स है। पहला मार्क्स है, पहला पंक्चुएशन मार्क है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मतलब जो हम एबीसीडी लिखते हैं दोस्तों, उसी एबीसीडी को जब हम कैपिटल में लिखते हैं, वही कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं पंक्चुएशन मार्क, वन ऑफ द पंक्चुएशन मार्क। करेक्ट। तो पहला हम देखेंगे कैपिटल लेटर। दूसरी चीज और एक देखनी है हमको, एंड मार्क्स। दूसरी चीज क्या देखनी है हमको? एंड मार्क्स। बल्कि हम ये चीज पहले पढ़ेंगे, बाद में कैपिटल के पास जाएंगे। ठीक है। एंड मार्क्स ये हमको बताते हैं कि सेंटेंस को किधर खत्म करना है, सेंटेंस को कहां रोकना है, एंड करना है, इसलिए नाम है एंड मार्क्स। इन एंड मार्क्स में हम इस लेवल में देखने वाले हैं, पहली चीज फुल स्टॉप। बताया ना आपको, ये हो गया फुल स्टॉप, राइट। दूसरी चीज देखना है क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया मेरा क्वेश्चन मार्क। करेक्ट। ये दो चीजें हैं जो कि सेंटेंस को एंड करती है, एकदम एंड में देना है, आखिर में देना है। अगर वो क्वेश्चन है, किसी ने हमसे कुछ पूछा है, इंफॉर्मेशन मांगी है, तो उस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क। अगर वो नॉर्मल सेंटेंस है, हमने किसी के कुछ कहा है, कुछ ऑर्डर दी है, किसी को कोई इंफॉर्मेशन दी है, नॉर्मल सेंटेंस है, एंड में फुल स्टॉप। क्लियर। फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। नंबर थर्ड जो अभी हमको देखना है, दैट इज पॉज, पॉज मार्क्स। इस चीज में अपने को देखना है कॉमा, जो अभी अपन ने देखा था ना पकड़ो मत जाने दो वाला, वो कॉमा यहां देखना है अपने को, राइट। पॉज मार्क में और भी कुछ होते हैं, कोलोन सेमी कोलोन, वो अपन बाद में देखेंगे, राइट। तो पॉज मार्क में हमको यहां देखना है कॉमा, एंड मार्क्स में हमको यहां देखना है फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स, और हमको देखना है कैपिटल लेटर्स। इस लेवल में हम ये तीन चीज कवर करेंगे। क्लियर। ये तीन चीज कवर करेंगे। अब सवाल आता है हाउ टू यूज इट, हाउ टू यूज इट, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे जो सबसे इजी है वो है एंड मार्क्स, राइट। कौन से है? एंड मार्क्स। हाउ टू यूज एंड मार्क्स, राइट। सवाल है मेरा हाउ। सबसे पहले देखते हैं एंड मार्क्स। सिंपल है, यूज द फुल स्टॉप विथ सेंटेंसेस, यूज फुल स्टॉप विथ नॉर्मल सेंटेंसेस, राइट। फुल स्टॉप
सेंटेंस के एंड में देना ही देना है। आप एक सेंटेंस लिखो, 10 सेंटेंसेस लिखो, जहां पे कई बार हमें आदत होती है हम एक सेंटेंस लिखते हैं एंड में कुछ नहीं देते, गलत, आपके मार्क्स कट जाएंगे। एक भी सेंटेंस लिखना है एंड में फुल स्टॉप दीजिए। क्लियर दिस? सो विद नॉर्मल सेंटेंसेस फुल स्टॉप, विद क्वेश्चंस, विद क्वेश्चंस यू हैव टू राइट, यू हैव टू एंड विद क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चंस है, कोई सवाल है, तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क जाएगा। क्लियर? अगर किसी ने हमसे कुछ पूछा है तो हम उसको उस सेंटेंस को एंड कैसा करेंगे, विद क्वेश्चन मार्क। और अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी को कोई ऑर्डर्स दे रहे हैं, किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो एंड करेंगे फुल स्टॉप से। नॉर्मल सेंटेंस फुल स्टॉप, क्वेश्चन विद क्वेश्चन मार्क। क्लियर दिस? राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल का यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल का यूज, राइट, कहां पर कैपिटल यूज करने हैं। क्लियर? सो आप इसको फिर से एक बार रिवाइज करिए, अच्छे से समझ लीजिए बेसिक क्या है, व्हाट इज पंक्चुएशन, व्हाई वी शुड यूज पंक्चुएशन, हाउ वी शुड यूज पंक्चुएशन। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद कैपिटल लेटर्स। थैंक यू।